हाँ बिल्कुल, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस मैम आ रही है। हाँ आज हम लोग का पेशेंट सेफ्टी का लास्ट लेक्चर है, ठीक है? स्क्रीन शेयर करती हूँ अपनी। हम लोग का लास्ट फिर भी टॉपिक मैम है ये। इसका वाइवा कब तक होगा? सॉरी, किसका वाइवा? कब तक होगा? बेटा पेशेंट सेफ्टी का वाइवा नहीं है इसका, सिर्फ आपका फाइनल एग्जाम होगा, ठीक है? जब आपकी एग्जाम्स की डेट शीट आएगी उसमें मेंशन होगा कि कब होना है इसका वाइवा। इसकी कोई असेसमेंट नहीं होती इस सब्जेक्ट की, वन क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है आपका। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा जी, हम लोगों का लास्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मेडिकेशन सेफ्टी। इसमें बेसिकली हम लोगों का रैशनल क्या है, यानी हमारा पढ़ने का मकसद क्या है, कि मेडिकेशन यूज हैव बिकम इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स इन रिसेंट टाइम्स। यानी कि अब जो मेडिकेशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी और काफ़ी कॉमन भी होगी अब आजकल के ज़माने में, छोटे से मसले के लिए भी कोई ना कोई जो है वो मेडिकेशन इस्तेमाल कर ली जाती है। इसलिए मेडिकेशन एरर इज़ अ मेजर कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल पेशेंट हार्म। मेडिकेशन जितनी ज़्यादा उसका यूज़ ज़्यादा हुआ है, उसका यूज़ कॉम्प्लेक्स हुआ है, उसी वजह से उसकी जो एरर्स हैं वो भी उसमें ज़्यादा आनी शुरू हो गई हैं। एज फ्यूचर डॉक्टर्स यू विल हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग मेडिकेशन यूज सेफ। अब वैसे काफ़ी हम में से ऐसे लोग हैं जिनका मेडिकेशन से ऐसे डायरेक्ट लिंक नहीं होगा, ठीक है? लेकिन फिर भी बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल आप लोगों को मेडिकेशन यूज से रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आने चाहिए। इवन आप ये घरों में भी इस चीज़ का ख्याल रख सकते हैं कि अगर कोई घर में कोई पेशेंट है उसे मेडिकेशन लेनी है, उसको किस तरह से आप सेफ तरीके से आप उसको दे सकते हैं, टाइम आप देख सकते हैं, ये चीज़ें जो है हम इसमें देखेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे क्या है कि टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ मेडिकेशन सेफ्टी, यानी मेडिकेशन सेफ्टी का एक ओवरव्यू लेना है, एंड टू इनकरेज यू टू कंटिन्यू टू लर्न एंड प्रैक्टिस वेज टू इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ मेडिकेशन यूज। कि आपको इनकरेज करना है कि आप ये पढ़ें और ये सीखें कि आप किस तरह से जो मेडिकेशन यूज है उसकी सेफ्टी को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है जी? अब नॉलेज रिक्वायरमेंट क्या है, क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, कि टू अंडरस्टैंड द स्केल ऑफ मेडिकेशन एरर, अंडरस्टैंड द स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ पेशेंट यूजिंग मेडिकेशन, के कोई भी पेशेंट जो मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहा है तो उसके स्टेप्स क्या है उसके बीच में, आइडेंटिफाई फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू मेडिकेशन एरर एंड लर्न हाउ टू मेक मेडिकेशन यूज सेफर, ठीक है जी? एंड अंडरस्टैंड योर डॉक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हेन यूजिंग मेडिकेशन। यानी ये सारी चीज़ें जो हैं ये नॉलेज रिक्वायरमेंट में आती हैं, एक्सपेक्ट की जाती हैं कि ये आपको आनी चाहिए बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल, ठीक है जी? क्या मेडिकेशन यूज़ को ज़्यादा सेफर कैसे बना सकते हैं, बेहतर कैसे बना सकते हैं, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जो भी मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं या करवा रहे हैं उसको आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, टू एक्नॉलेज दैट मेडिकेशन सेफ्टी इज अ बिग टॉपिक एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एरिया विल अफेक्ट हाउ यू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। कि आपने ये जो नीचे जो टास्क लिखे हैं इनको हम पढ़ते हैं कि ये इस तरह के टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको जो है मेडिकेशन सेफ्टी से रिलेटेड कितनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इस पूरे एरिया को अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद आप ये टास्क जो है ये परफॉर्म कर सकते हैं। कि यूज़ जेनेरिक नेम्स वेयर अप्रोप्रिएट, आपने मेडिकेशंस के जेनेरिक नेम यूज़ करने हैं, उनके जो ट्रेड नेम्स हैं वो अवॉइड करने हैं। टेलर योर प्रिस्क्राइबिंग फॉर इंडिविजुअल पेशेंट्स, इंडिविजुअल पेशेंट के हिसाब से जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब हो रही हैं उनको उनकी हिसाब से जो है पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पेशेंट की डिजीज कंडीशन के हिसाब से उनको टेलर किया जाए। ये नहीं है कि अगर एक ही मेडिकेशन है वही सारे पेशेंट्स को दी जा रही है, ना अपने पेशेंट के वेट का ख्याल रखा है जहाँ पे ज़रूरी है, ना पेशेंट की और कंडीशन का ख्याल रखा है, ना इस चीज़ का ख्याल रखा है कि वो कोई और मेडिकेशन साथ इस्तेमाल कर रहा है तो इन दो जो ड्रग्स हैं इनका आपस में इंटरेक्शन हो सकता है। तो ये चीज़ें जो है ये आपने इसके हिसाब से देखनी है। लर्न एंड प्रैक्टिस थॉरो मेडिकेशन हिस्ट्री टेकिंग, के मेडिकेशन हिस्ट्री टेकिंग जो है वो किस तरह से है, नो विच मेडिकेशन आर हाई रिस्क एंड टेक प्रिकॉशंस, कौन सी मेडिकेशन जो है वो हाई रिस्क पे होती हैं और उनके लिए प्रिकॉशंस कौन कौन से जरूरी हैं। नो द मेडिकेशन यू प्रिस्क्राइब वेल, आप जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, उसका इंटरेक्शन क्या है, वो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो किस तरह से काम कर रही है। यूज़ मेमरी एड्स, मेमरी एड्स फार्माकोलॉजी को वैसे भी याद रखने के लिए मेमरी एड्स कुछ ज़रूरी हैं, कुछ निमोनिक्स इस तरह के हैं, कुछ ऐसी कुछ पिक्टोरल चीज़ें इस तरह की हैं जो आपको फार्माकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों को याद रखने में हेल्प करती हैं। आप में से जो भी बच्चे फार्मा पढ़े होंगे उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया होगा इस चीज़ को। इसके अलावा यह है कि रिमेंबर द 5 आवर्स वेन प्रिस्क्राइबिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग, यानी जब आप जो भी मेडिकेशन है उसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या आपने एडमिनिस्टर करनी है, तो आपने 5 आवर्स को जो है वो अपने जहन में रखना है। 5 आवर्स क्या होते हैं इनको हम आगे चल के देखते हैं।
कम्युनिकेट क्लियरली कम्युनिकेट करें एंड डेवलप चेकिंग हैबिट्स. पेशेंट के ऊपर अपना चेक रखें. कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि आप पेशेंट को प्रॉपरली गाइड करें कि उसकी जो मेडिकेशन है उसने किस टाइम पे लेनी है, कब तक लेनी है, कब इस मेडिकेशन को छोड़ देना है. ठीक है, ये चीज़ें जो है आपने पेशेंट से कम्युनिकेट करनी है एंड इनकरेज पेशेंट्स टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस. रिपोर्ट एंड लर्न फ्रॉम मेडिकेशन एरर. कि अब आपने पेशेंट को जो है वो इनकरेज करना है कि वो सारे प्रोसेस में आपका साथ दे. आप अगर उसको जो है मेडिकेशन लेने का कह रहे हैं तो पेशेंट कंप्लायंस भी शो करें इससे रिलेटेड. और ये है कि आप जो मेडिकेशन एरर्स हो रही हैं आप उनको रिपोर्ट भी करें और उनसे कुछ सीखें भी. आपको छोटी सी डेफिनेशन है, ये याद करनी आप लोगों के लिए ज़रूरी है, आप लोगों को आनी चाहिए. साइड इफेक्ट से क्या मुराद है, एडवर्स रिएक्शन क्या है, एरर क्या चीज़ होती है और एडवर्स इवेंट क्या होता है. ये इनमें से कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. साइड इफेक्ट क्या है कि अननोन इफेक्ट अदर देन दैट प्राइमरली इंटेंडेड, यानी कि इट इज़ रिलेटिंग टू द फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेडिकेशन. यानी कि साइड इफेक्ट किसी डिजीज़ का वो होता है कि जो कि नोन इफेक्ट होता है उस इफेक्ट के अलावा जो कि आपकी इंटेंशन नहीं होती. ठीक है ना, यानी आप अगर किसी एक डिजीज़ को ट्रीट करना चाह रहे हो तो इस डिजीज़ को तो ट्रीट कर रहा है लेकिन साथ साथ वो कोई और प्रॉब्लम भी शायद थोड़ी बहुत क्रिएट कर रहा है, लेकिन वो नोन है, आपको पता है कोई और इफेक्ट भी वो कॉज कर रहा है. वो आपके पास किसी भी ड्रग का साइड इफेक्ट होता है. ठीक है जी, जैसे कि अब आपके पास अगर यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुआ है कि ओपिएट एनाल्जेसिया जो है दे ऑफन कॉज नॉजिया. ठीक है, यानी नॉजिया जो है वो ओपिएट्स कॉज करते हैं. ठीक है, तो ये एक तरह से उसका साइड इफेक्ट है. ओपिएट्स जो है वो वैसे पेन रिलीफ भी करते हैं, उनका जो एक पर्पस है वो और है. ठीक है, लेकिन साथ उनका साइड इफेक्ट ये हो सकता है. अब एडवर्स इवेंट रिएक्शन क्या है कि अनएक्सपेक्टेड हार्म अराइजिंग फ्रॉम अ जस्टिफाइड एक्शन वेयर द करेक्ट प्रोसेस वॉज फॉलोड फॉर द कॉन्टेक्स्ट इन विच द इवेंट अकर्ड. यानी कि एडवर्स रिएक्शन अब आपके पास अनएक्सपेक्टेड हार्म होगा. ठीक है जी, यानी कि आप जैसे एग्जांपल में है कि अनएक्सपेक्टेड एलर्जिक रिएक्शन इन अ पेशेंट टेकिंग अ मेडिकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम. यानी कि आपने ये एंटिसिपेट नहीं किया था, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये एलर्जिक रिएक्शन पेशेंट को हो सकता है, तो ये अब आपके पास एडवर्स रिएक्शन में आएगा, ये आपके पास साइड इफेक्ट्स में नहीं आएगा. तो इन दोनों का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है. एरर क्या है, फेलियर टू कैरी आउट अ प्लान्ड एक्शन एज इंटेंडेड और एप्लीकेशन ऑफ एन इनकरेक्ट प्लान. एरर को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में बड़ी डिटेल में. एडवर्स इवेंट क्या है कि एन इंसिडेंट दैट रिजल्ट्स इन हार्म टू अ पेशेंट. यानी कि एडवर्स इवेंट क्या होगा, किस तरह का कोई भी इंसिडेंट जो कि जिसके रिजल्ट में आपके पेशेंट को कोई ना कोई नुकसान हो रहा है. ठीक है जी, अब एडवर्स इवेंट में हम लोगों ने सबसे एक चीज़ पढ़ी थी कि एडवर्स इवेंट जो सबसे एक मेजर है वो यानी डेथ है. ठीक है, कि वो पेशेंट को आपकी किसी भी गलती की वजह से, एरर की वजह से जो है वो पेशेंट की डेथ हो सकती है. ठीक है जी, एडवर्स ड्रग इवेंट क्या होगा कि इट मे बी प्रिवेंटेबल एंड इट मे नॉट बी प्रिवेंटेबल. ठीक है जी, अगर जो एरर की वजह से हैं वो तो प्रिवेंटेबल हो सकते हैं. ठीक है, एरर को आप रिड्यूस कर सकते हो, कवर कर सकते हो. जहाँ पे बात आती है कि वो प्रिवेंटेबल नहीं है, यानी वो कि आपके पास अब आ रहे हैं किसी भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन की वजह से, एडवर्स इवेंट की वजह से, वो अब आपके पास प्रिवेंटेबल हो सकता है कि ना हो. मेडिकेशन एरर में रिजल्ट इन एन एडवर्स इवेंट इफ अ पेशेंट इज हार्म्ड. एडवर्स इवेंट तब होगा जब पेशेंट को नुकसान होगा इफ अ पेशेंट इज हार्म्ड. A near miss if a patient is nearly harmed or neither harm nor potential for harm. यानी कि अब आपके पास medication error जो है वो या तो adverse event cause कर सकती है या near miss cause कर सकती है या कुछ भी नहीं कर सकती. ठीक है जी, और medication errors जो है वो आपके पास preventable होती हैं, हो सकती हैं, unless वो आपके पास जाके कोई adverse event ना cause कर. अच्छा जी, अब मेडिकेशन यूजेज में आपकी जो स्टेप्स हैं वो क्या हैं. तीन इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, एक तो प्रिस्क्राइबिंग है, मेडिसिन प्रिस्क्राइब कैसे करनी है. दूसरे नंबर पे एडमिनिस्ट्रिंग है, एडमिनिस्टर कैसे करनी है. और थर्ड पे आपकी मॉनिटरिंग. दीज स्टेप्स मे बी कैरिड आउट बाय हेल्थ केयर वर्कर्स और द पेशेंट. यानी सेल्फ प्रिस्क्राइबिंग ओवर द काउंटर मेडिकेशन भी हो सकती हैं और सेल्फ एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन एट होम भी हो सकती हैं, जैसे कि इंसुलिन वगैरह जो है वो यूजली पेशेंट घर पर लगा लेते हैं. ठीक है जी, तो इस तरह के स्टेप्स जो है ये हेल्थ केयर जो वर्कर्स हैं वो भी फॉलो कर सकते हैं, या अगर पेशेंट जो है जो अगर इस तरह के मेडिकेशन पे है तो वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं. प्रिस्क्राइबिंग में अब क्या चीज़ें आती हैं कि चूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेडिकेशन फॉर अ गिवन क्लिनिकल सिचुएशन, टेकिंग इंडिविजुअल पेशेंट फैक्टर्स इनटू अकाउंट सच एज एलर्जीज. प्रिस्क्राइबिंग में अब आपके पास ये है कि आपने एक अप्रोप्रिएट मेडिकेशन देनी है एक गिवन क्लिनिकल कंडीशन के लिए. ठीक है, यानी पेशेंट की जो भी क्लिनिकल सिचुएशन है, जो भी इसको बीमारी है, उसको सॉल्व करने के लिए आपने पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन को, उसकी एलर्जीज को, उस तरह की जो पेशेंट फैक्टर्स हैं उसको आपने सामने रखते हुए फिर आपने पेशेंट को जो है वो एक दवाई चूज करके देनी है. सिलेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन रूट, डोज, टाइम एंड अरेंजमेंट. यानी अब इसमें क्या है कि आपने पेशेंट के लिए जो है वो उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी तरीकाकार है कि आपने किस रूट के थ्रू देनी है, इंट्रावीनस देनी है, बाय ओरल माउथ आपने उसके ओरल उस पे से देनी है, आपने उसको जो है वो इंट्रामस्कुलर देनी है,
उसको टाइम कौन सा देना है, ये सारी चीज़ें जो है कब तक उसने लेनी है, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी. कम्युनिकेटिंग डिटेल्स ऑफ द प्लान विद द हूएवर विल एडमिनिस्टर द मेडिकेशन, यानी कि अब इसमें एक ही चीज़ भी आती है कि आपने जो भी सारा आपका प्रिस्क्राइबिंग का प्लान है वो आपने उसके साथ शेयर करना है जो कि पेशेंट को मेडिसिन जो है वो एडमिनिस्टर कर रहा है. ठीक है जी, आप रिटर्न ट्रांसक्राइब कर सकते हैं, वर्बल भी हो सकती है, पेशेंट को आपने ही कम्युनिकेट करना है और इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी आपके पास होनी चाहिए, यानी रिटर्न वर्क होना चाहिए. अब यह है कि प्रिस्क्राइबिंग जो है वो गलत कैसे हो सकती है. Prescribing, how can prescribing go wrong when inadequate knowledge about drug indication and contraindication? कब गलत हो सकती है, जब आपको drugs के interactions का और उनके indications का और उनके contraindications का आपको नहीं पता, आपकी knowledge में नहीं है. Not considering individual patient factors, यानी जब आप patient factors को, जो individual patient factors है आप उनको consider नहीं कर रहे हो, जैसे allergies हैं, pregnancies हैं, comorbidities हैं, कोई भी medication patient साथ use कर रहा है, उस medication का आपकी medication के साथ interaction जो है वो हो सकता है, patient को कोई adverse reaction हो सकता है, आप उसको consider नहीं कर रहे हो. Wrong patient, wrong dose, wrong time, wrong drug and wrong, यानी ये सारी चीज़ें आपके पास गलत हो सकती है कि आप गलत patient को गलत दवाई लगा रहे हो. ठीक है जी, पेशेंट सही है, दवाई गलत लगा रहे हो, डोज गलत दे रहे हो, गलत टाइम पे दे रहे हो, और या आप ड्रग ही ओवरऑल गलत दे रहे हो, या आपका जो देने का एडमिनिस्ट्रेशन का जो रूट है वो ही गलत है. इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन है, रिटर्न या वर्बल जो है वो इनएडिक्वेट है. डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एलिजिबल है, इनकम्प्लीट है या एम्बिगस है. इसके अलावा यह है कि मैथमेटिकल एरर जब भी कोई हो रही है, जब भी आप पेशेंट की डोज कैलकुलेट कर रहे हैं उसके बीच में, उस टाइम पे आपके पास कोई मैथमेटिकल एरर हो रही है वो इसमें आती है. इनकरेक्ट डेटा एंट्री है व्हेन यूजिंग कंप्यूटराइज्ड प्रिस्क्राइबिंग, यानी कि आप अगर डुप्लीकेशन हो रही है, ओमिशन हो रही है, कोई आपने प्रिस्क्राइब करनी थी उसमें आप डाटा प्रॉपरली एंटर नहीं कर पा रहे हो, अगर आप कंप्यूटराइज प्रिस्क्राइबिंग इस्तेमाल कर रहे हो, कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो और गलत नंबर जो है वो आप एंटर कर रहे हो, ये चीज़ें हैं. अब इसमें जैसे एग्जांपल है कि लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक मेडिकेशन, अब कुछ मेडिकेशन ऐसी हैं जो कि उनके नाम जो है वो तकरीबन सेम लगते हैं, हो सकता है कि वो देखने में भी उनके अपेयरेंस भी बिल्कुल सेम हो, यानी दवाई की जो शेप होती है, कैप्सूल टाइप है, कुछ भी है वो एक जैसी है. जैसे अब सेरीब्रिक्स है, सेरीब्रिक्स है और सिलेक्स है, इनके नाम सुनने में कंफ्यूजिंग हो सकते हैं. अब इन सबका डिफरेंट पर्पज है, एक एंटी इन्फ्लेमेटोरी है, एक एंटी कन्वल्सेंट है और एक एंटी डिप्रेसेंट है. ठीक है जी, तो ये चीज़ें जो है ये कोई भी एरर कॉज कर सकती हैं. अब एक चीज़ आपके पास एक रीज़न आता है कि एम्बिगस नॉमेनक्लेचर है, यानी कि नॉमेनक्लेचर इस तरह का है कि वो एम्बिगस है, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे और वो पेशेंट को भी समझने में मुश्किल हो रही है. जैसे अगर टेग्रेट्रोल है या टेग्रेटो है, अब इसको पढ़ने में भी गलती हो सकती है, इसको समझने में भी गलती हो सकती है. 100 mg है और 1100 mg, हम दोनों में काफ़ी फ़र्क है, दवाई फ़र्क है, उनके mg में फ़र्क है, लेकिन इसको जो है वो एम्बिगस सही है. इसके अलावा ये कि रूट जो है, अब अगर सबक्यूटेनियस है या जो है वो सबलिंगुअल है तो इसमें भी जो है वो कन्फ्यूजन हो सकती है. इसके अलावा अगर 1.0 mg लिखा है और उसकी जगह 10 mg लिखा है, तो जहाँ पर 1.0 mg लिखा हुआ है तो वो भी कन्फ्यूजिंग हो सकता है कि इसका मतलब 10 mg भी हो सकता है. यानी अगर कोई किसी ने जीरो आपका एलिजिबल है, नज़र नहीं आ रहा लिखा हुआ, तो वो 1 mg की जगह उसको 10 mg भी पढ़ सकता है. अगर 0.1 mg है तो पॉइंट गलती से भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है. अगर आपने अगर 0.1 mg लिखना है तो उसको लिखने का बेहतरीन तरीका ये है कि 0.1 mg आप उसको प्रॉपर तरीके से लिखें. ठीक है जी, तो ये चीज़ है. इसके अलावा यही है कि आप इस तरह की जो गलतियाँ एम्बिगस नॉमेनक्लेचर, इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं कि ट्रेलिंग जीरोस, यानी आप उनको अवॉइड करें. जैसे वही बात की बात है कि 1.0 आप ना लिखें, आपने अगर 1 लिखना है तो आप उसको 1 ही लिखें, 1.0 ना लिखें, ट्रेलिंग जीरोस को आप जो है वो अवॉइड करें. इसके अलावा जो लीडिंग जीरोज हैं, जैसे पॉइंट से पहले अगर आपने जीरो लगाना है तो वो आप इस्तेमाल करें उसको प्रॉपरली जो है वो समझने के लिए. जैसे 0.1 ना लिखें, 0.1 जो है वो आप लिखें ताकि उसे क्लियर हो कि 0.1 mg ही है. नो एक्सेप्टेड लोकल टर्मिनोलॉजी, यानी जो लोकल टर्मिनोलॉजी है वो भी आपको आनी चाहिए ताकि पेशेंट को भी समझने में आसानी हो. इसके अलावा ये है कि आप नीटली लिखें अगर आप खुद कर रहे हैं. इसके अलावा ये है कि अगर आप कंप्यूटराइज सिस्टम इस्तेमाल करें तो प्रिंट कर लें जहाँ पे भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब हो रही हैं वहाँ पे. एडमिनिस्ट्रेशन में अब क्या चीज़ें आती हैं कि ऑब्टेनिंग द मेडिकेशन इन अ रेडी टू यूज़ फॉर्म, मेन वॉल्व काउंटिंग, कैलकुलेटिंग, मिक्सिंग, लेबलिंग और प्रिपेयरिंग इन सम वेज. यानी कि अब आपके पास क्या है एडमिनिस्ट्रेशन में कि आप जो भी मेडिकेशन है उसको रेडी टू यूज़ फॉर्म में इस्तेमाल करें. इसमें यह है कि इसकी कैलकुलेशन, मिक्सिंग और लेबलिंग वगैरह जो है वो इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए. चेकिंग फॉर एलर्जीज, एलर्जीज के बारे में ख्याल रखें पेशेंट से रिलेटेड. गिविंग द राइट मेडिकेशन टू द राइट पेशेंट इन द राइट डोज वाया द राइट रूट एट द राइट टाइम. यानी अब ये 5 R's हैं, यानी ये आप पता होने चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि राइट मेडिकेशन राइट पेशेंट को राइट टाइम पे राइट डोज होनी चाहिए और जो है वो राइट रूट के थ्रू होनी चाहिए. डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए. ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अब यहाँ पे कैसे गलत हो सकती है. रॉन्ग पेशेंट, रॉन्ग रूट है, रॉन्ग टाइम है, रॉन्ग डोज है, रॉन्ग ड्रग है, या कोई भी एमिशन या फेलियर टू एडमिनिस्टर, क्या पेशेंट को एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहे. ठीक
ठीक है जी, 5 आर्स यही है, राइट ड्रग, राइट रूट, राइट टाइम, राइट डोज और राइट पेशेंट, ये आपको आने चाहिए। मॉनिटरिंग में अब क्या चीज़ें आती हैं, अब हम लोगों ने 3 स्टेप्स पढ़े थे, उसमें से हमने प्रिस्क्राइबिंग और एडमिनिस्ट्रिंग देख ली है, अब हम इसमें जो है वो मॉनिटरिंग देखते हैं। मॉनिटरिंग में क्या है कि ऑब्जर्विंग द पेशेंट टू डिटरमिन इफ द मेडिकेशन इज रॉन्ग बींग यूज अप्रोप्रिएटली एंड नॉट हार्मिंग द पेशेंट, कि आप पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे देखने के लिए मेडिकेशन देने के बाद, यानी एडमिनिस्टर करने के बाद आप पेशेंट को ये ऑब्जर्व करें कि जो मेडिकेशन हम उसको दी जा रही है वो काम कर रही है, अप्रोप्रिएटली इस्तेमाल हो रही है कि नहीं हो रही, पेशेंट को कोई उसकी वजह से कोई हार्म तो नहीं हो रहा, कोई उसका कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं हो रहा, डॉक्यूमेंटेशन इसकी इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन मॉनिटरिंग गो रॉन्ग, मॉनिटरिंग कैसे गलत हो सकती है, लैक ऑफ मॉनिटरिंग फॉर साइड इफेक्ट, यानी आपने पेशेंट को मॉनिटर नहीं किया उसको साइड इफेक्ट्स हो गए आपने नहीं गौर किया, ड्रग नॉट सीज्ड इफ नॉट वर्किंग और कोर्स कंप्लीट, के ड्रग जो है वो वहाँ पर तब रोकी नहीं गई जब वो अपना काम नहीं कर रही थी, या कि अगर उस ड्रग का कोर्स कंप्लीट हो गया उस टाइम पर ड्रग रोकी नहीं गई तो मॉनिटरिंग आपकी गलत हो सकती है। ड्रग सीज्ड बिफोर कोर्स कंप्लीटेड, ड्रग जो है वो कोर्स कंप्लीट होने से पहले ही जो है वो रोक दी गई, एंटीबायोटिक्स के बारे में जिस तरह के है। इसके अलावा ये है कि ड्रग लेवल्स नॉट मैयर्ड और नॉट फॉलोड अप ऑन, यानी कि जो ड्रग लेवल्स हैं उनको मैयर नहीं किया गया, पेशेंट एक ड्रग जो लेता जा रहा है उसको ना रोकने के बारे में कम्युनिकेट किया गया है तो उसके जो लेवल्स हैं वो हाई हो सकते हैं, कम्युनिकेशन फेलियर है। वही बात है कि ये सारी चीज़ें कब आपसे गलत हो रही हैं, जब आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा पेशेंट के साथ। डू यू नो विच ड्रग्स नीड ब्लड टेस्ट टू मॉनिटर लेवल, कि आपको ये चीज़ें पता हैं कि कौन सी ड्रग्स जो हैं वो उनके लिए ब्लड टेस्ट ज़रूरी है उनके लेवल्स को मॉनिटर करने के लिए। Which patients are most at risk for medication error? अब आपके पास कौन से ऐसे patients हैं जो कि risk पे हैं medication error के, ठीक है जी। अब उस तरह के patient जो कि multiple medications पे हैं वो उनमें medication error के chances ज़्यादा होते हैं, जो एक से ज़्यादा दवाइयाँ खा रहे हैं, एक से ज़्यादा मसलों के लिए खा रहे हैं। पेशेंट्स विद अनदर कंडीशन, यानी रीनल इम्पेयरमेंट या प्रेगनेंसी का, यानी पेशेंट की कोई ना कोई और कंडीशन भी उसके साथ चल रही है। पेशेंट्स हु कैन नॉट कम्युनिकेट वेल, ऐसा पेशेंट जो बता नहीं सकता है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। पेशेंट्स हु हैव मोर देन वन डॉक्टर, ऐसे पेशेंट जिसका एक से ज़्यादा डॉक्टर है, वो एक जो अपना प्रॉब्लम है वो किसी और से ट्रीट करवा रहा है और एक प्रॉब्लम किसी और से ट्रीट करवा रहा है और उन दोनों डॉक्टर्स को नहीं पता कि दूसरे डॉक्टर ने कौन सी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की है। फिर एक ये है कि पेशेंट्स हु डू नॉट टेक एन एक्टिव रोल इन देयर ओन मेडिकेशन यूज, या ऐसे पेशेंट जो कि अपनी कंप्लाइंस शो नहीं करते और मेडिकेशन यूज में जो है वो अपना रोल प्ले नहीं करते। इसके अलावा चिल्ड्रन एंड बेबीज जो कि उनके लिए डोज कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है, अगर डोज प्रॉपरली कैलकुलेटेड नहीं होगी बच्चों के लिए स्पेशली और इन्फेंट्स के लिए, तो वहाँ पे भी आपके पास मेडिकेशन एरर्स हो सकते हैं। इन व्हाट सिचुएशंस आर स्टाफ मोस्ट लाइकली टू कंट्रीब्यूट टू अ मेडिकेशन एरर, किन सिचुएशन में जो है वो मेडिकेशन एरर मोस्ट लाइकली है। इनएक्सपीरियंस, यानी अब आपके पास जो स्टाफ है वो इनएक्सपीरियंसड है, रशिंग में है, कोई काम जल्दी जल्दी करना चाह रहा है, डूइंग टू थिंग्स एट वंस, यानी एक ही टाइम पे दो दो काम कर रहे हैं, दो से ज़्यादा काम कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग हो रही है, इंटरप्शंस आ रही हैं, पेशेंट को ट्रीट करना था बीच में कोई और प्रॉब्लम आ गई है, ध्यान उस तरफ लग गया है, उस टाइम पे गलती हो सकती है, फटीग है, बोर्डम है, बीइंग एन ऑटोमेटिक पायलट लीडिंग टू फेलियर टू चेक एंड डबल चेक, ये सारी चीज़ें हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से फटीग वगैरह भी जो है वो आपकी जजमेंट को अफेक्ट करती है। इसके अलावा लैक ऑफ चेकिंग एंड डबल चेकिंग हैबिट्स हैं, आप चेक नहीं कर रहे हो, इवन डबल चेक भी नहीं कर रहे हो कि आपने जो भी मेडिकेशन इंसर्ट करनी थी, इंजेक्ट करनी थी, वो ठीक है कि नहीं है। पुअर टीम वर्क एंड और कम्युनिकेशन बिटवीन कॉलीग्स, यानी कि जो कॉलीग्स हैं उनका आपस में कम्युनिकेशन जो है वो ठीक नहीं है, टीम वर्क ठीक नहीं है। रिलेक्टेंस टू यूज़ मेमोरी एड्स, यानी कि आप फार्माकोलॉजी रिलेटेड चीज़ों को याद रखने के लिए अगर मेमोरी एड्स की जरूरत है तो आप वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। हाउ कैन वर्क प्लेस डिज़ाइन कॉन्ट्रीब्यूट टू द मेडिकेशन एरर, अब वर्क प्लेस डिज़ाइन जो है वो मेडिकेशन एरर पर कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है कि एब्सेंस ऑफ अ सेफ्टी कल्चर इन द वर्क प्लेस, यानी अगर आपके वर्क प्लेस पर कोई सेफ्टी कल्चर नहीं है तो मेडिकेशन एरर्स बढ़ सकती हैं, यानी पुअर रिपोर्टिंग सिस्टम है, आप यानी फेलियर टू लर्न फ्रॉम पास्ट नियर मिसेज एंड एडवर्स इवेंट, यानी आपके पास कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है जिसमें आपके प्रीवियस जो भी एडवर्स रिएक्शंस हो रहे हैं वो नोट हो रहे हैं या जहाँ पे वो जो है डॉक्यूमेंट हो रहे हैं कि बाद में उनको स्टडी कर लिया जाए, उनको रोकने से रिलेटेड कुछ किया जाए, तो ये चीज़ें अगर आपके सिस्टम में नहीं हो रही। इसके अलावा एब्सेंस ऑफ मेमोरी एड्स फॉर स्टाफ, यानी स्टाफ के लिए जो मेमोरी एड्स हैं वो नहीं है, इनएडिक्वेट स्टाफ नंबर्स हैं, स्टाफ नंबर जो है वो इनएडिक्वेट है, लोग कम है, काम ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है। हाउ कैन मेडिकेशन प्रेजेंटेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू मेडिकेशन एरर, अब जो मेडिकेशन की प्रेजेंटेशन है वो कैसे मेडिकेशन एरर कर सकती है, यानी लुक अलाइक साउंड अलाइक मेडिकेशन है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एम्बिगुअस लेबलिंग है जी। इसके अलावा यह है कि परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट क्या है कि व्हाट यू कैन डू टू मेक मेडिकेशन यूज सेफर, अब आप क्या कर सकते हैं मेडिकेशन यूज़ को सेफ करने के लिए, उसमें अब आपके पास एक चीज़ आती है कि यूज़ जेनेरिक नेम्स, आप उनके जेनेरिक नेम इस्तेमाल करें, आप उनके जो है वो जो ट्रेड नेम्स हैं वो इस्तेमाल करने से ज़रा अवॉइड करें,
इसके अलावा ये है कि टेलर प्रिस्क्राइबिंग फॉर ईच पेशेंट्स, वही बात है जो हम सबसे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हर पेशेंट के हिसाब से जो है वो मेडिकेशन को आप टेलर करें उसके नीड के अकॉर्डिंग। लर्न एंड प्रैक्टिस थ्रू थॉरो मेडिकेशन हिस्ट्री टेकिंग, आप में थॉरो मेडिकेशन हिस्ट्री टेकिंग आनी चाहिए। नो द हाई रिस्क मेडिकेशन एंड टेक प्रिकॉशंस, मेडिकेशन जो प्रिस्क्राइब वेल आपको पता होना चाहिए। मेमोरी एड इस्तेमाल करें, चेकिंग एंड डबल चेकिंग वाली हैबिट्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन ठीक होनी चाहिए और जो रिपोर्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए और ये ताकि आप उसे जो है वो लर्न कर सकें, आप उस रैंक की एरर्स को कैसे अवॉइड कर सकें। यूज़ जेनेरिक नेम्स रादर देन द ट्रेड नेम्स, आप जेनेरिक नेम इस्तेमाल करें उनके ट्रेड नेम्स ना इस्तेमाल करें। अच्छा जी, टेलर योर प्रिस्क्राइबिंग फॉर ईच इंडिविजुअल पेशेंट, टेलर आपने कैसे करना है कि आपने पेशेंट की एलर्जीज को, उसकी कोमॉर्बिडिटीज को, उसकी अगर फीमेल पेशेंट है, प्रेगनेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग पे है, आपने उसको जो है वो कंसिडर करना है, उसके अकॉर्डिंग मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करनी है और पेशेंट की साइज यानी पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग जो है वो आपने मेडिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब करनी है। अच्छा जी, अब ये है कि आपको जहाँ पे जो वो पॉइंट था कि लर्न एंड प्रैक्टिस थॉरो मेडिकेशन हिस्ट्री टेकिंग, उसमें क्या चीज़ें आती हैं कि उसमें आपको ड्रग का नेम पता होगा, डोज, उसकी रूट, उसकी फ्रिक्वेंसी, ड्यूरेशन ऑफ एवरी ड्रग, आपने जो भी पेशेंट से इंक्वायर करना है कि जो रिसेंटली सीज मेडिकेशन है, पेशेंट ने अभी कौन सी मेडिकेशन जो है वो ख़त्म की है, रोकी है, ओवर द काउंटर मेडिकेशन पेशेंट कौन सी ले रहा है, कोई भी डाइटरी सप्लीमेंट ले रहा है उनकी यानी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, कोई भी अल्टरनेटिव मेडिकेशन इस्तेमाल करा है यानी अगर एलोपैथी छोड़ के वो होम्योपैथी इस्तेमाल करा है या कोई हकीमी दवाई इस्तेमाल करा है, तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, यानी ये हिस्ट्री टेकिंग में आता है मेडिकेशन से रिलेटेड। फिर ये है कि मेक श्योर व्हाट पेशेंट एक्चुअली टेक्स मैचेस योर लिस्ट, यानी कि अब आपने ये देखना है कि पेशेंट जो है वो किस तरह से भी पर्टिकुलरली केयरफुल अक्रॉस ट्रांजिशन ऑफ केयर, आपने ये देखना है कि पेशेंट की जो ट्रांजिशन हो रही हैं केयर की उसमें आपने केयरफुल रहना है। प्रैक्टिस मेडिकेशन रिकाउंसलेशन एट एडमिशन टू एंड एंड डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, अब ये जो मेडिकेशन रिकंसाइलेशन है इसमें इस चीज़ को आपने देखना है पेशेंट की, कि पेशेंट की जब हॉस्पिटल में जब वो एडमिट हुआ है उस टाइम पर, जब वो डिस्चार्ज हो रहा है उस टाइम पर जो है वो मेडिकेशन से रिलेटेड उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, सारा उसका पर्पस क्या है। लुक अप एनी मेडिकेशन यू आर अनफेमिलियर विद, अगर कोई ऐसी मेडिकेशन है जिससे आप वाकिफ़ नहीं है, जिसका आपने पढ़ा नहीं उसके बारे में, आपको याद नहीं है, तो उसके बारे में आप पढ़ें, उसके बारे में नॉलेज रखें। कंसीडर ड्रग इंटरेक्शंस, मेडिकेशंस दैट कैन बी सीज एंड मेडिकेशंस दैट मे बी कॉजिंग साइड इफेक्ट्स, उन मेडिकेशंस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड ऑलवेज इंक्लूड एलर्जी की हिस्ट्री, यानी जो पेशेंट की एलर्जीज की हिस्ट्री है उसके बारे में पता होना चाहिए। नो विच मेडिकेशंस आर हाई रिस्क एंड टेक प्रिकॉशंस, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मेडिकेशन है वो हाई रिस्क में हैं और उनके लिए प्रिकॉशन लेनी ज़रूरी है। जैसे कि अब इसमें आपके पास ओरल एंटीकॉगुलेंट्स हैं, इंसुलिन है, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं, आईवी पोटेशियम है, एमरजेंसी मेडिकेशंस हैं, इनका क्या प्रॉब्लम है कि ये अब आपके पास हाई रिस्क पे क्यों होते हैं, क्योंकि इनके जो थेरेप्यूटिक विंडो है वो काफ़ी नैरो होती है, इन्होंने एक पर्टिकुलर डिजीज़ को ही ट्रीट करना है, और लेकिन इनका प्रॉब्लम क्या है कि इनका डिफरेंट मेडिकेशंस के साथ जो है वो मल्टीपल इंटरेक्शन हो सकते हैं। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट मेडिकेशंस हैं, कॉम्प्लेक्स डोजेज हैं, मॉनिटरिंग स्केड्यूल्स हैं, अब इनका ये इन सारी ड्रग्स का स्पेशली जो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स है या इंसुलिन है या एंटीकॉगुलेंट्स हैं, तो इनके बारे में चेक रखना ज़रूरी है। अच्छा जी, अब ये है कि नो द मेडिकेशन जो प्रिस्क्राइब वेल, कि आपको पता होना चाहिए कि जो मेडिकेशन आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो कैसी है, उससे रिलेटेड फिर ये है कि आपको होमवर्क करना पड़ेगा थोड़ा सा, जो भी आप मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसमें यह है कि आप फ्रेमवर्क उसका कैसे है कि आपको कैसे आप होमवर्क कर सकते हो उस चीज़ से रिलेटेड, क्या आपको उसकी फार्माकोलॉजी पता हो, उसके इंडिकेशंस कॉन्ट्राइंडिकेशंस पता हो, साइड इफेक्ट्स हैं, जो भी स्पेशल प्रिकॉशंस हैं वो पता हो, डोज एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता हो, और जो भी उसका रिजीम है कि वो आप किस तरह से उस दवाई को देना चाह रहे हैं, उसकी जो भी डोज है, उसका जो भी रूट है, टाइम है, वो किस तरह से है, या उसका कितनी जितनी ड्यूरेशन है वो कितनी है वो आपको बताना चाहिए। मेमोरी एड इस्तेमाल करें, टेक्स्ट बुक्स हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स हैं, आपके पास ऐप्स हैं फ़ोन में, अब इस तरह की फार्माकोलॉजी से रिलेटेड अगर आप प्ले स्टोर पर सर्च करें आपको काफ़ी मिल जाएंगी। इसके अलावा कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, कंप्यूटराइज प्रिस्क्राइबिंग प्रोटोकॉल्स हैं जी। इसके अलावा फ्री अप योर ब्रेन फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग रेदर देन रिमेंबरिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट कैन बी स्टोर एल्सवेयर, कि आप जो है अपने ब्रेन को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इस्तेमाल करें, आप बजाय कि आप फैक्ट्स और फिगर्स जो हैं पॉइंट्स वगैरह इस तरह की चीज़ों को याद करें, वो तो कहीं लिखी भी जा सकती हैं, लेकिन आपका ब्रेन एटलीस्ट इतना फ्री होना चाहिए कि आप उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एक एटीट्यूड है वो इस्तेमाल कर सकें, उसको काम में लेके आ सकें। Looking things up if unsure is a marker of safe practice, not incompetence. आप अगर आपको किसी चीज़ का नहीं पता, आपको अगर नॉलेज नहीं है किसी चीज़ के बारे में, तो अगर आप उसके उससे रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसके बारे में नॉलेज इकट्ठी करते हैं, तो ये आपके पास बेसिकली
एक सेफ प्रैक्टिस का मार्कर है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इनकॉम्पिटेंट हैं या आपको आता नहीं है। इनकॉम्पिटेंट आप तब होंगे जब आपके पास सारा मटेरियल भी अवेलेबल है और उसके बाद भी आप उसको इस्तेमाल करके उस चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल नहीं करें जो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। इनकॉम्पिटेंट आप उस टाइम पे होते हैं, लेकिन अगर आप चीज़ों को देख रहे हैं, आपको अगर कोई चीज़ उस टाइम नहीं याद आ रही, आप फौरन से अपना मोबाइल फ़ोन खोल के, इंटरनेट खोल के कुछ भी आप उसके बारे में सर्च कर लें, आप पढ़ लें, तो आप अपनी नॉलेज बढ़ा लें, तो ये अब आपके पास सेफ प्रैक्टिस में आ जाती है ये चीज़। 5 hours हैं जब प्रिस्क्राइबिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएंगे कि अब ये 5 hours हम लोगों ने पढ़े हैं कि कैन यू रिमेंबर व्हाट दे आर, अब आपको याद है कि वो 5 hours कौन से हैं, वो कौन से 5 hours हैं वैसे अगर कोई स्टूडेंट बताए तो। राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट है, राइट टाइम है और राइट पेशेंट है। अगर नहीं सुन ले लेक्चर तो एटलीस्ट इसको बाद में जरूर सुन लीजिएगा। इसके अलावा ये है कि स्टेट द ऑब्वियस, क्लोज द लूप, कम्युनिकेशन आपकी जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। इसके अलावा ये जी, उसके बाद अब आपके पास जो अगली चीज़ आती है कि चेकिंग हैबिट्स को डेवलप करें, व्हेन प्रिस्क्राइबिंग अ मेडिकेशन, व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशंस, आप एलर्जीज को चेक करें, 5 hours को आपने देखना है, जो भी कंप्यूटराइज सिस्टम है उसके लिए भी चेकिंग ज़रूरी है, और इसको चेकिंग और डबल चेकिंग को जब तक आप इस्तेमाल करते रहेंगे ये आपकी हैबिट बन जाएगी। यूजफुल मैक्सिमम इस्तेमाल करें, अनलेबल्ड मेडिकेशन बिलोंग इन द बिन, यानी कोई भी ऐसी मेडिकेशन जो आपको नजर आ रही है जो कि लेबल्ड नहीं है वो आपके काम की नहीं है। नेवर एडमिनिस्टर अ मेडिकेशन अनलेस यू आर 100% श्योर यू नो व्हाट इट इज, तो आपने वो मेडिकेशन कभी भी एडमिनिस्टर नहीं करनी अगर आपको पता नहीं है, 100% श्योर नहीं है कि वो क्या है, यानी सिर्फ इस बेस पे कि अगर वो लेबल भी नहीं है और आप कहें कि ये वही वाली मेडिकेशन हो सकती थी, इस बेसिस पे कोई मेडिकेशन आपने इंजेक्ट नहीं करनी है। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, सो स्टार्ट योर चेकिंग हैबिट्स नाउ। इसलिए आपको चेकिंग हैबिट्स जो है वो अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। Encourage patients to be actively involved in the process. आप patient को encourage करें कि वो जो सारा process है उसमें actively involved हो, यानी कि patient को जो है आप उस drug का name बताएं, उसका purpose बताएं, उसका थोड़ा बहुत अगर patient understand कर सकते हैं तो उसको action बताएं कि ये क्या काम कर सकती है, dose बताएं, route है patient उसको बताएं, administration का बताएं, कोई भी special instructions हैं, directions हैं, precautions हैं, इसके अलावा जो भी कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं या इंटरेक्शन हैं, मेडिकेशन जो है वो कैसे मॉनिटर होगी, ये सारी बातें आप पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करें। इनकरेज पेशेंट्स टू कीप अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ देयर मेडिकेशन एंड एलर्जीज, पेशेंट को इनकरेज करें कि वो एक रिटन रिकॉर्ड रखे अपनी सारी मेडिकेशंस का जो वो इस्तेमाल करता रहा है, और उनसे रिलेटेड अगर उसको कोई एलर्जी हुई है तो उसको वो जो है उसका रिकॉर्ड रखें। इनकरेज पेशेंट्स टू प्रेजेंट दिस इन्फॉर्मेशन व्हेनेवर दे कंसल्ट अ डॉक्टर, पेशेंट को ये इनकरेज करें कि वो इस इन्फॉर्मेशन को हमेशा प्रेजेंट करें जब भी वो किसी और डॉक्टर के पास जा रहा है तब भी। Report and learn from medication error. Safe practice skills for medical students to develop and practice. Whenever learning and practice skills that involve medication use, consider the potential hazards to the patient and what you can do to enhance patient safety. अब ये है कि अब आपको medication use का बारे में पता होना चाहिए, उसके जो भी potential hazards हैं जो patient को हो सकते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, और आप उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, patient safety को enhance कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ें safe practice में आती हैं। नॉलेज ऑफ मेडिकेशन सेफ्टी विल इम्पैक्ट द वे यू, अब आपके पास जो मेडिकेशन सेफ्टी है उसकी नॉलेज जो है वो कैसे अब इम्पैक्ट करेगी आपको, कि आपकी प्रिस्क्राइबिंग इम्प्रूव होगी, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो, और एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वो आपका बेहतर होना चाहिए, मेमोरी एड्स होनी चाहिए, पेशेंट की और कॉलीग्स के साथ कम्युनिकेशन बेहतर होना चाहिए, और जो मेडिकेशन और नियर मिसेज हैं उनसे रिलेटेड जो भी इस तरह की एरर्स हो चुके हैं उनसे आपने सीखना है। समरी क्या है जिसकी, मेडिकेशंस कैन ग्रेटली इंप्रूव हेल्थ व्हेन यूज्ड वाइडली एंड करेक्टली, मेडिकेशंस जो है वो हेल्थ को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं जब आप उनको वाइजली एंड करेक्टली इस्तेमाल करते हैं। येट मेडिकेशन एरर इज कॉमन एंड इज कॉजिंग प्रिवेंटेबल ह्यूमन सफरिंग एंड फाइनेंशियल कॉस्ट, मेडिकेशन एरर पर भी कॉमन है और ये अब आपके पास जो है वो प्रिवेंटेबल ह्यूमन सफरिंग एंड फाइनेंशियल कॉस्ट कॉज कर सकती है। रिमेंबर दैट यूजिंग मेडिकेशंस टू हेल्प पेशेंट इज नॉट अ फ्री रिस्क एक्टिविटी, Know your responsibilities and work hard to make medication use safe for your patient. And अब इसमें चीज़ें हमारे पास चीज़ें कुछ ये आती हैं कि कुछ डिस्कशन पर्पजेज के लिए हैं कि आर यू अवेयर ऑफ एन इंसिडेंट इन विच पेशेंट वॉज हार्म बाय मेडिकेशन, आपने इस चीज़ को देखना है कि आपके पास कोई ऐसा इंसिडेंट है या आपको उसको याद होगी जिसमें पेशेंट को जो है मेडिकेशन की वजह से नुकसान हुआ है, तो आपको डिस्क्राइब करना आना चाहिए क्या हुआ था, वो तो सिचुएशन रिजल्ट ऑफ साइड इफेक्ट्स एडवर्स रिएक्शन और मेडिकल
एरर, यानी कि आपके पास जो सिचुएशन है वो साइड इफेक्ट था या कोई एडवर्स इवेंट था या फिर ये कोई मेडिकेशन एरर थी। ठीक है जी, एग्जाम्पल केस हमारे पास है, क्या पेशेंट इज कमेंस एन ओरल एंटीकोगुलेंट इन हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अ डीप वेनस थ्रोम्बोसिस फॉलोइंग एन एंकल फ्रैक्चर, यानी पेशेंट का एंकल फ्रैक्चर हुआ, उसके बाद जो है पेशेंट का डीवीटी डेवलप हो गया, उसको ट्रीट करने के लिए पेशेंट को ओरल एंटीकोगुलेंट्स दी गई। द इंटेंडेड ट्रीटमेंट कोर्स इज 3 to 6 months, दो नाइदर द पेशेंट नॉर कम्युनिटी डॉक्टर आर अवेयर ऑफ द प्लान ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। जो इंटेंडेड ट्रीटमेंट था, यानी जो पेशेंट को दवाई देनी चाहिए थी, वो 3 to 6 महीने के लिए देनी चाहिए थी, लेकिन क्या था कि पेशेंट को भी आइडिया नहीं था और जो डॉक्टर था उसको भी, वो भी अवेयर नहीं था कि जो प्लान्ड जो ड्यूरेशन होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए ट्रीटमेंट की। पेशेंट कंटिन्यूस मेडिकेशन फॉर सेवरल ईयर्स, यानी पेशेंट जो है फिर जब कम्युनिकेट ही नहीं हुआ तो पेशेंट इस दवाई को जो है वो काफ़ी सालों तक इस्तेमाल करता रहा, बींग अननेसेसरली एक्सपोज टू द इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग एसोसिएटेड विद दिस मेडिकेशन। अब क्या था कि पेशेंट दवाई कई सालों तक इस्तेमाल करता रहा, एंटीकोगुलेंट थी तो ब्लीडिंग रिस्क बहुत ज़्यादा थे, और लेकिन पेशेंट को नहीं आइडिया था तो इस दवाई को इस्तेमाल करता जाता गया। द पेशेंट इज प्रिस्क्राइब्ड अ कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक फॉर अ डेंटल इन्फेक्शन। अब क्या हुआ कि पेशेंट को जो है वो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की गई डेंटल इन्फेक्शन के लिए। 9 days later, 9 दिन बाद जो है क्या हुआ कि पेशेंट बिकम्स अनवेल विद बैक पेन, हाइपोटेंशन, रिजल्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस एरिट्रोपेरिटोनियल हेमरेज और रिक्वायरिंग हॉस्पिटलाइजेशन एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब क्या हुआ, जब पेशेंट ने एंटीबायोटिक ली तो कुछ दिन बाद क्या हुआ कि पेशेंट को और तरह के साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो गए, उसमें बैक उसको जो है वो रेट्रोपेरिटोनियल हेमरेज हो गया। ठीक है जी, हेमरेज हुआ, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो गई, ब्लीडिंग में क्या हुआ कि उसकी वजह से पेशेंट हाइपोटेंस को भी हो गया और बैक पेन भी पेशेंट को स्टार्ट हो गई। अब उसकी वजह से पेशेंट को फॉरन हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी देनी पड़ी। जो INR है, इंटरनलाइज्ड नॉर्मलाइज्ड रेशियो जो है वो क्या थी, रीडिंग इज ग्रॉसली एलिवेटेड। जो INR रेशियो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज की हुई थी, ब्लीडिंग टेंडेंसी जो है वो उसको शो करती है। एंटीकोगुलेंट इफेक्ट हैज़ बिन पोटेंशिएटेड बाय द एंटीबायोटिक्स। अब क्या था कि जो एंटीकोगुलेंट इफेक्ट था वो एंटीबायोटिक्स ने पोटेंशिएट कर दिया था। अब जो सारे सिनेरियो में जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं मेडिकेशन एरर जो सारे केस में हुआ, वो किस वजह से हुआ कि सबसे पहले जो चीज़ थी वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन थी, एंड हेंस कंटिन्यूटी ऑफ केयर बिटवीन द हॉस्पिटल एंड द कम्युनिटी, यानी कि पेशेंट और डॉक्टर के बीच में जो है वो कम्युनिटी जो है कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। पेशेंट नॉट इन्फॉर्म्ड ऑफ द प्लान टू सीज मेडिकेशन, पेशेंट को नहीं पता था कि उस दवाई को रोकना कब है। द इंटरेक्शन बिटवीन एंटीबायोटिक्स एंड एंटीकोगुलेंट वाज नॉट एंटीसिपेटेड बाय द डॉक्टर हु प्रिस्क्राइब द एंटीबायोटिक, इवन दो दिस इज अ नोन फेनोमेना। हालांकि काफ़ी कॉमन चीज़ें कि एंटीबायोटिक्स और एंटीकोगुलेंट्स इकट्ठी नहीं दी जाती, लेकिन क्या हुआ कि जिस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की थी, उसने इस चीज़ को नहीं नोटिस किया कि पेशेंट जो है ऑलरेडी एंटीकोगुलेंट्स ले रहा है। लैक ऑफ मॉनिटरिंग है जी, ब्लड टेस्ट वुड हैव डिटेक्टेड द एग्जैजरेटेड एंटीकोगुलेशन इफेक्ट इन टाइम टू करेक्ट द प्रॉब्लम। अब ये था कि मॉनिटर नहीं किया गया, अगर ब्लड टेस्ट पहले करवा लिए जाते तो इस सारी चीज़ को जो है वो रोका जा सकता था। अब इस ये हाउ कुड दिस एरर हैव बीन प्रिवेंटेड, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए थी, डिस्चार्ज लेटर होना चाहिए था हॉस्पिटल से, यानी होना चाहिए था कि पेशेंट की मेडिकेशन हमारी तरफ से रोक दी गई है, पेशेंट की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए थी, मेमोरी एड्स एंड अलर्टिक सिस्टम होने चाहिए थे टू हेल्प डॉक्टर्स नोटिस पोटेंशियल एडवर्स रिएक्शन। डॉक्टर को भी जिसने एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किया है उसको भी जो है वो ये चीज़ याद रखनी चाहिए थी कि किसी और ड्रग अगर वो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर रहा है तो एंटीकोगुलेंट्स के साथ उसका एडवर्स रिएक्शन हो सकता है, इंटरेक्शन किस तरह का हो सकता है। बींग अवेयर ऑफ कॉमन पिटफॉल्स इन मेडिकेशन जो प्रिस्क्राइब और जो भी मेडिकेशन के बीच में कॉमन पिटफॉल्स हैं आपको वो पता होने चाहिए। मॉनिटरिंग मेडिकेशन इफेक्ट व्हेन इंडिकेटेड, हाउ कुड द पेशेंट हेल्प प्रिवेंट दिस एरर। अभी तक कि पेशेंट जो है वो किस तरह से इस एरर को प्रिवेंट कर सकता था कि बाय आस्किंग मोर क्वेश्चन। पेशेंट के पार्ट पर भी चीज़ आती है कि वो ये क्वेश्चन पूछ सकता था कि मुझे ये जो न्यू मेडिकेशन है ये कितनी देर तक लेनी चाहिए, जो न्यू एंटीबायोटिक है इसका जो मैं ऑलरेडी मेडिकेशन ले रहा हूँ उसके साथ कोई इंटरेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब ये है कि हाउ कैन द डॉक्टर इनकरेज द पेशेंट टू आस्क मोर क्वेश्चन। अब मेन क्वेश्चन ये है, अब ये चीज़ें आप लोगों के ऊपर हैं कि अब आपने ये चीज़ें बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल पेशेंट को ये चीज़ें आप कैसे इनकरेज करोगे कि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे और जो उसके क्वेश्चन है उनका प्रॉपरली उसको आंसर भी मिले। ठीक है जी, तो ये हम लोगों का लास्ट लेक्चर था पेशेंट सेफ्टी का, आप लोगों का कोर्स जो है ये कवर हो चुका है, कम्प्लीट हो चुका है। एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, अब मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट्स के कुछ वाइवाज हो रहे हैं इसलिए अटेंडेंस भी काफ़ी हद तक कम है, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि आप लोग एक दफ़ा इस पूरे सब्जेक्ट को गो थ्रू कर लें, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप लोग मेरे साथ उसको डिस्कस करें। ठीक है जी, इसका एक ही फाइनल एग्जाम होगा और जब आपकी फाइनल की डेट शीट आएगी वो उसी में आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी, चले सही है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे ईमेल कर लीजिएगा। ठीक है, लेक्चर में एंड कर रही हूँ। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? No, ma'am. Excuse me, ma'am. Ma'am, what's your name?
मैम वो आपने एक मेकअप लेक्चर कहा था होगा, तो वो कब होगा? मेकअप लेक्चर इसका ये है कि मैंने जो लेक्चर रहता था वो मैंने लास्ट लेक्चर में दो क्लासेस आपके उनके लिए ली थी, ठीक है। और जहाँ पे जिन बच्चों का मैम अटेंडेंस का इशू था वो तो मैं वही मैं बता रही हूँ, जिन बच्चों का वो अटेंडेंस का इशू था तो वो एक लेक्चर की ऑलरेडी लग चुकी हुई है एक्स्ट्रा, ठीक है। वो यानी सबको ही क्लास प्रेजेंट है, यानी वो मेकअप जी लेक्चर में चलिए आपका ठीक, काउंट नहीं थैंक किया जाएगा। यू। ओके मैम, थैंक। अल्लाह हाफिज़।